नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17:39 पर अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी माइकल क्लोविन और बज एल्ड्रिन चांद पर पहला कदम रखते हैं। 19 जुलाई 1969 को मेरिट आइलैंड में स्थित कैंडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला नासा का 5वां मानवीय और 3रा चंद्र अभियान था। नील आर्मस्ट्रांग को पूरे मिशन का कमांडर बनाया गया था, बज एल्ड्रिन को लूनार मॉड्यूल का पायलट और माइकल क्लोविन को कमांड मॉड्यूल का पायलट बनाया गया था। 20 जुलाई 1969 सभी मेंबर चांद के सी ऑफ ट्रांक्लिटी पर अपने लूनार मॉड्यूल ईगल के थ्रू लैंड करते हैं। यहाँ पे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा, जिस जगह पर रखा और जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की थी, उसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। 20 जुलाई 1969 सभी क्रू मेंबर्स चांद के सी ऑफ ट्रांक्विलिटी पर अपने लूनार मॉड्यूल ईगल के थ्रू लैंड करते हैं और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनते हैं। 24 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग, माइकल क्लोविन और बज एल्ड्रिन पृथ्वी के प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में उतरते हैं। वे अपने साथ 21.5 किलोग्राम का चांद का कुछ सैंपल लेकर आए थे। उस टाइम अपोलो 11 ने उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का चांद पर सोवियत यूनियन से पहले उतरने का सपना साकार कर दिया था। इसके बाद 1969 से 1972 के बीच नासा के द्वारा लगभग 6 मिशन चांद पर भेजे गए, जिसमें 5 मिशन चांद पर उतरने में सक्षम रहे।